Hi everyone, assalamu alaikum, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज मैं एक फूड चैलेंज करने जा रही हूँ जिसमें मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी A to Z के ऑर्डर में फूड खाने वाली हूँ. तो सबसे पहले आता है A, तो A से मैं खाऊँगी आलमंड्स. वैसे भी सुबह सुबह आलमंड्स खाना अच्छा होता है, तो हमारी अच्छी शुरुआत हुई है. ए के बाद आता है बी, बी से मैं खाऊंगी ब्रेड और सी से इस पे लगाऊंगी क्रीम. तो अब मैं इसे खा लेती हूँ. हाँ जी, तो ए बी सी से, तो ए बी सी अल्फ़ाबेट से तो खा लिया था. फिर अब आती है डी की बारी. तो डी से मेरे घर में कुछ भी खाने को है नहीं, तो मैं जा रही हूँ बाहर, देखती हूँ डी से क्या मिलता है और बाकी लेटर्स भी देख लूँगी साथ में कि कुछ मिलता है या नहीं. तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ. तो जी, मैं बाज़ार से आ गई हूँ और देखिए इतना सारा सामान ख़रीद लिया है. जो जो मुझे मिल पाया वो मिल गया है. और ए बी सी कर ली थी, अब चलिए डी की तरफ बढ़ते हैं. तो देखते हैं डी से मेरे पास क्या है, क्या लेकर आई हूँ मैं. तो डी से है ये डेरी मिल्क चॉकलेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है. तो चलिए इसे खा लेते हैं. तो चलिए डेरी मिल्क खा लेते हैं. थोड़ी सी और खा लूँ, मुझे अच्छी लगती है बहुत. आप लोग खाएंगे? खाई लीजिए, झूठी हो गई है वैसे. अब ई आता है, तो ई से मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ई से क्या खाऊं क्या खाऊं. फिर दिमाग में आया कि ई से इलायची होती है, तो चलिए फिर ई से इलायची खा लेते हैं. तो अब मैं ये ई से इलायची खा लेती हूँ. तो ई तक हमारा अल्फाबेट कंप्लीट हो गया है. एफ से ये फेनोग्रीक खा रही हूँ अब मैं. इसे हिंदी में मेथी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे फेनोग्रीक कहते हैं. तो यही खा रही हूँ मैं. पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा इसके चक्कर में. बहुत ही कड़वा टेस्ट है इसका. मैंने पहली बार इसे ऐसे खाया है, वैसे सब्जी वगैरह में ही पड़ती है. खाने का मन नहीं हो रहा है, थूकने का मन हो रहा है, लेकिन खा ले रही हूँ. अब क्या करें, चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है. फेनोग्रीक खा के तो मुंह का मज़ा एकदम ही बेकार हो गया, कड़वा हो गया. चलिए तो अब आती है जी की बारी. तो अच्छी बात है कि जी से मैंने जेम्स ले लिए थे, तो मेरे मुंह का मज़ा अच्छा हो जाएगा इससे. चलिए फिर जी से जेम्स खा लेते हैं. इसके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं. बचपन में कितनी खाते थे ना जेम्स. चलिए दो तीन खा लेती हूँ, मुँह का मज़ा अच्छा हो जाएगा. चलिए जी तो कंप्लीट हो गया.
अच्छा देखते हैं क्या आने वाला है। तो अब आती है एच की बारी, और एच से मैं यहाँ पर हलवा खा लेती हूँ। तो अब आती है आई की बारी, और आई से मैं खाने जा रही हूँ इमरती, खा लेती हूँ थोड़ी सी। अच्छी है। तो अब इस तरह से आई लेटर कंप्लीट हो गया हमारा। तो आई के बाद आता है जे, और जे से खाते हैं जैम, ये भी मीठा है, और अभी मैंने इमरती भी मीठी मीठी खाई है, लेकिन खाना तो पड़ेगा, क्या करें। चलिए इसे खाते हैं। तो चलिए खा लेती हूँ अब। बहुत ज़्यादा मीठा हो गया मुँह। तो किसी तरीके से हम लोग जे तक तो पहुंच गए हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। तो आई और जे कंप्लीट हो गया है, और जे के बाद अब बारी आती है के की। तो के से इत्तेफाक से मेरे यहाँ कबाब थे, तो कबाब खा लेती हूँ। बहुत मीठा मुँह हो गया था, अब सही है, थोड़ा नमकीन और चटपटा मुँह हो जाएगा। तो चलिए के को कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी चटनी लगा ले रही हूँ, ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत टेस्टी बने। थोड़ा सा और खा लेती हूँ, मुझे कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कबाब फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट लेटर के लिए मिलती हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक हो गया था, अब आता है एल। तो एल से कल लेके आई थी लेस, तो चलिए लेस खा लेते हैं एल से। एक मिनट इसे खोल लूँ मैं। चलिए एल से लेस खा लेते हैं। तो ये एल से लेस कंप्लीट हो गया। तो एल के बाद आता है एम, एम से देखते हैं क्या है। तो एम से है ये मेलोडी टॉफी, तो इसे खा लेती हूँ मैं। तो ये खा लेती हूँ मेलोडी। वैसे एक बात बताइए आप लोग कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो इसका जवाब तो मुझे ही होता है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो इस तरह से हमारे एम तक लेटर कंप्लीट हो गए। अब नमकीन खा लेती हूँ, क्योंकि एन से होती है नमकीन। नाउ इट्स टाइम टू ओ फॉर ओरियो। वैसे अब मेरा पेट बहुत भर गया है, आगे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन कंप्लीट तो करना पड़ेगा जेड तक, तो खाना तो है। तो अब आ जाती है पी की बारी, और लंच का भी टाइम हो गया है। तो पी से मैं खा लेती हूँ पनीर, और आर से खा लेती हूँ रोटी। खा लिया मैं,
इतनी माला और खा लेती हूँ। मुझे पनीर ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पी से पनीर खा लिया और आर से रोटी खा ली, लेकिन पी के बाद तो क्यों आता है, तो मुझे ए बी सी डी नहीं आती है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। असल में उस टाइम लंच कर रही थी, तो फिर रोटी तो थी पनीर के साथ, तो सोचा पहले वही कंप्लीट कर लूँ। और वैसे क्यू से भी मेरे पास है खाने को, क्यू से मैं खाऊंगी एक क्वेकर ओट्स, बहुत ही ढूंढ के मुश्किल से मिले हैं ये, क्यू से क्वेकर ओट्स मैं खाऊंगी। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं फिर इसको खाते हैं। तो ये मैंने क्वेकर ओट्स बना लिए हैं, चलिए अब इसे खाकर क्यू अल्फ़ाबेट को भी पूरा कर लेते हैं। उस टाइम पी के बाद मैंने क्यू अल्फ़ाबेट से कुछ इसलिए नहीं खाया था क्योंकि फिर लंच कर रही थी, तो पनीर और रोटी खा ली तो पीआर हो गया, फिर पेट भर गया तो क्यू के लिए जगह ही नहीं बची, तो सोचा मैंने बाद में खा लूँगी। तो अब ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, पी क्यू और आर, यहाँ तक अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे आएगा नहीं, बोल कह देंगे, सर भी कह देंगे, आवाज़ आएगी तो बोल देंगे। तो ऐसे मैं खाने जा रही हूँ समोसा, बहुत बढ़िया समोसे आए गर्मा गर्म, ले अशर खाओ समोसा, बहुत बढ़िया समोसे हैं, मज़ा आ गया। तो एस से समोसा खा लिया, मज़ा आ गया समोसा खा के। अब एस के बाद आता है टी, तो मैं टी से पीऊँगी टी। मैं चाय की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ इसलिए मैंने थोड़ी ली है, पूरा कप नहीं भरा है, तो चलिए टी से टी पी लेते हैं। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेटर यू, यू फॉर अंकल चिप्स। अब जी आता है वी का नंबर, वी से मैं ये खा रही हूँ विक्स की टॉफी। हाँ जी, तो डब्लू से वाटर मैं पी रही हूँ अब। तो अब बस एक्स वाई और जेड बाकी रह गया, बस तीन बाकी रह गए लेटर्स और फिर ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। एक्स अल्फ़ाबेट से तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी खाने की चीज़ एक्स से नहीं मिली, तो फिर मैं ये लेके आई थी अल्फ़ाबेट्स वाले फन पॉप्स, तो इसमें ये एक्स निकला है, तो अब मैं एक्स लेटर इससे खा लेती हूँ। तो अब दो ही लेटर बचे हैं वाई और जेड, तो वाई से अब खा लेते हैं योगर्ट, और कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो वाई से योगर्ट खा लेती हूँ। चलिए योगर्ट खा लेती हूँ, एक ही चम्मच खाऊंगी, ज़्यादा मेरा खाने का मन नहीं हो रहा है, बहुत ढेर आ रहा है। अरे यार, एक चम्मच खा लेती हूँ। क्रीमी क्रीमी है। तो Y फाइनली कंप्लीट हो गया है, अब एक ही बचा है Z। Z से देखते हैं क्या खा पाती हूँ मैं। सो अब ये बचा है लास्ट Z,
तो ये भी मैं खा लेती हूँ और इस चैलेंज को कंप्लीट करती हूँ। तो फाइनली कैसे भी करके मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। बहुत अजीब अजीब चीज़ें खाई आज, बहुत सी चीज़ें खाने का दिल भी नहीं हो रहा था, फिर भी खानी पड़ी, तो फाइनली ये चैलेंज कंप्लीट हो गया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है गाइज। प्लीज़ तो इसे सपोर्ट कीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये ए टू जेड फूड चैलेंज। और ये जो बीच में सर्किल आ रहा है यहाँ पे आप टच करेंगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो मेरी बाकी वीडियोस हैं उन्हें भी ज़रूर देखें। तो ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।